मुंबई में वॉक करने वालों के लिए वॉकथॉन का आगाज हुआ। इस मौके पर फ्लैग ऑफ के लिए पहुंची हुई थी अभिनेत्री तापसी पन्नू। तापसी ने सुबह सुबह यहां मौजूदगी दर्ज की। वॉक करने वालों के लिए तापसी ने फ्लैग ऑफ किया। सभी लोग जोश और जुनून से भरे हुए थे। तापसी वहां मौजूद लोगों के साथ मिलती हुई नजर आईं। फिर मीडिया से बातचीत के दौरान तापसी ने बताया कि वॉक करना कितना इंपॉर्टेंट है। इनिशिएटिव ये फिटनेस को लेके आजकल तो वैसे ही जनता काफी जागरूक है। आई थिंक एवरीबॉडी नोज कि क्या वैल्यू है फिटनेस के आज की डेट के अंदर। तो जब भी ऐसा कोई इवेंट होता है उस पर जो टर्नआउट होता है वो बहुत अच्छा होता है। और स्केचर्स बीइंग अ ब्रांड जो फिटनेस अपैरल और वो शूज और ये सब इतने इनके अच्छे होते हैं, तो इट्स ऑल ऑब्वियसली एक्सपेक्टेड कि दे विल डू समथिंग लाइक दिस। सो या इंटरेस्टिंग ये था कि मैराथन नहीं थी, वॉकाथॉन थी। मैंने कभी मैराथन ही देखी है, मैंने वॉकाथॉन तो नहीं देखी है। तो मेरे लिए ये नया था देखने के लिए कि लोग वॉकिंग में भी रेस करके 8-8 किलोमीटर मतलब कॉम्पिटिटिव कैटेगरी के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं एंड थाउजेंड्स ऑफ देम। सो आई वाज रियली सरप्राइज्ड। अपने फिटनेस के बारे में बातचीत करते हुए तापसी ने क्या कहा, सुन लीजिए। मैं एक्चुअली वॉक करने का इतना समय नहीं मिलता है, मैं भागती हूँ ट्रेडमिल पे अगर हो सके। बाहर जाते हैं कहीं तो ओपन में भागते हैं अगर आउटसाइड द कंट्री जाने का मौका मिले तो, और वरना जिम होता है हमारा, नहीं तो स्क्वॉश खेलती हूँ मैं। स्पोर्ट्स में ज़्यादा मेरी इंटरेस्ट है तो मैं ज़्यादातर कोई ना कोई तरह का स्पोर्ट्स खेल के फिटनेस मेंटेन रखना शुरू। वेल, तापसी पन्नू की आने वाली फिल्म थप्पड़ है जो कि अनुभव सिन्हा डायरेक्ट किए हुए हैं। देखना और भी खास होगा कि ये फिल्म दर्शकों को कितनी भाएगी, पसंद आएगी।